बिस्मिल्लाह रन रखीम इन द लास्ट टू लेक्चर्स वी डिस्कस्ड फंक्शन मॉडर्न सेंट्रल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान इज़ आल्सो मॉडर्न सेंट्रल बैंक तो हम इस लेक्चर में ये चाहेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान के भी फंक्शंस डिस्कस करें लेकिन आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि हम जब स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान के फंक्शंस डिस्कस करेंगे तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो रीजन किसी भी सेंट्रल बैंक के फंक्शन की हो सकती है तो पाकिस्तान में मेनली रीजन तो वही होगी अगर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन जो है वो कमर्शियल बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि वो डिफॉल्ट ना करे तो पाकिस्तान में भी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन उसी लिये होगा तो हर फंक्शन की मैं रीजन पे नहीं जाऊंगा मैं आपको जस्ट ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये ये फंक्शन वही जो अदर सेंट्रल बैंक्स के हैं पाकिस्तान में भी हैं अगर कोई एक बीच में पॉइंट आया जो अदरवाइज रूटीन में सेंट्रल बैंक के फंक्शन में नहीं होता तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अब यह भी जरूरी है कि आपको सोर्स का भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अगर हमें फंक्शंस uh, का पता करना हो कि कहाँ पे लिखे हुए हैं या कौन हमें बताएगा कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंक्शंस हैं तो उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक एक्ट है जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे और उसे कहते हैं एस एक्ट नाइनटीन यानी कि 1956 में ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ स्टेट बैंक से रिलेटेड उसके फंक्शन से रिलेटेड एक्ट है लेकिन ये ओवर टाइम अमेंड होता रहता है तो ये जहां से मैंने फंक्शन लिए ये अमेंडमेंट में हुई यानी कि ये लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट है वहां से ये आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है स्टेट बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है वहां से आप ले सकते हैं तो स्टेट बैंक के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से या उसके फंक्शन में से पहला है टू डिटर्मिन इंप्लीमेंट मॉनिटरी पॉलिसी ये मैंने आपको कहा था किसी भी मॉडर्न सेंट्रल बैंक का जो इंपॉर्टेंट तरीन ऑब्जेक्टिव होता है वो मॉनिटरी पॉलिसी का कंडक्ट है मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है मनी से रिलेटेड या इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड पॉलिसी लेकिन हम अगले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि मॉनिटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं टूल्स क्या होते हैं इस पर हम काफ़ी सारे लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन जारी रखेंगे लेकिन बहरहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पहला जो फंक्शन है वो ये है कि ये मॉनिटरी पॉलिसी कंडक्ट करे देन टू फार्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द एक्सचेंज रेट पॉलिसी एक्सचेंज रेट पर भी बात हो चुकी कि उसकी फ़्लक्चुएशन का प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उससे ट्रेड इफेक्ट हो सकती है अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी एक फंक्शन ये है कि वो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड पॉलिसी को फार्मूलेट करे यानी कि बनाए और इम्प्लीमेंट करे टू कैरी आउट एंड डिससेमिनेट रिसर्च रेलिवेंट टू बैंक्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन इसका मतलब ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव और फंक्शन हैं उससे रिलेटेड रिसर्च जो है वो करना भी स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान के फंक्शंस में शामिल है स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान में एक बाकायदा रिसर्च डिपार्टमेंट है जो रिसर्च एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले करता है रिसर्च एक्टिविटीज़ इनिशिएट करता है और फिर उसको क्या करता है लोगों तक पहुंचाना भी होता है डिसेमिनेट भी करना होता है रिसर्च को कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स क्या है देन टू होल्ड एंड मैनेज ऑल इंटरनेशनल रिजर्व ऑफ पाकिस्तान इस पर भी बात हो चुकी कि मॉडर्न सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल करेंसी रिजर्व होल्ड करते हैं पाकिस्तान में भी आप सुनते हैं कि हमारे फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इतने हो गए इतने हो गए तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंक्शन में शामिल है टू issue एंड मैनेज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग रेगुलेटिंग देयर डिनोमिनेशन हमने मनी के चैप्टर में भी मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि आपकी जेब में जो भी करेंसी नोट होता है उस पर लिखा होता है कि बैंक दौलत पाकिस्तान हामले हाजा को इतने रुपया वो जितने का भी नोट हो फॉर एग्जाम्पल सौ रुपया मुतालबा पर अदा करेगा इसका मतलब यह है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया ये उसी की लाइबिलिटी होती है टू कलेक्ट एंड प्रोड्यूस स्टेटिस्टिक्स रेलिवेंट टू द बैंक्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक पूरा डिपार्टमेंट स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के नाम से भी है उसमें क्या होता है कि जितने बैंक के ऑब्जेक्टिव या फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड डेटा होता है जैसे बैंक अकाउंट्स बैंक डिपॉजिट्स बैंक के रेट मनी सप्लाई मनी डिमांड और मनी uh, सप्लाई के साथ जो है मल्टीप्लायर इस तरह के एम वन एम टू ये डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं इनका डेटा चूंकि इंपॉर्टेंट होता है तो ये भी डिपार्टमेंट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है वो कलेक्ट करता है और फिर वो इन्फॉर्म भी करता है लोगों को डिफरेंट पब्लिकेशन के थ्रू जो कि उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं और फंक्शन क्या हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के टू ऑपरेट एंड एक्सरसाइज ओवरसाइट ओवर पेमेंट सिस्टम अभी मैंने बताया था कि आज के दौर में पेमेंट टेक्नोलॉजी बेहतर होने के लिए जरूरी है कि जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होती हैं एक बंदा चेक लिखता है दूसरे बंदे को उसका अलग अकाउंट होता है किसी दूसरे बैंक में इसके लिए जरूरी है कि सिस्टम हो जिसका लुक आफ्टर सेंट्रल बैंक करे तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी एक ऑब्जेक्टिव ये है टू एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि ये क्या होता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक ऑपरेट करते हैं उनका जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है फिर टू लाइसेंस रेगुलेट एंड सुपरवाइज कैजुअल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट फॉल अंडर द डोमेन ऑफ द बैंक एज फर्दर स्पेसिफाइड इन द एक्ट और एनी अदर एक्ट मतलब ये कुछ तो एक एक्ट की लैंग्वेज होती है तो वो होते लेकिन मेन मैं आपको करक्ट समझा दूं तो वही है कि ये रेगुलेटर है कैजुअल बैंक्स का या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कमर्शियल बैंक्स का ये उनका रेगुलेटर है वो कि ये इनके डिपॉजिट और लैंडिंग रेट के दरम्यान बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए कोई और मैल प्रैक्टिस के अंदर ना इन्वॉल्व हो जाए कमर्शियल बैंक जिससे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो जाए और डिपॉजिटर्स का पैसा ना डूब जाए इसी तरीके से नया बैंक ओपन होना है तो उसको लाइसेंस किसने इशू करना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो ये सारा बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो है वो रेगुलेशन का, का काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है इसी तरीके से एक और फंक्शन है टू रिजॉल्व कैजुअल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट फॉल अंडर द डोमेन ऑफ द बैंक एज फर्दर स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट एक तो ये सेक्ट में जहां आता है द बैंक तो द बैंक से मुराद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है तो इसका मतलब ये है कि जो स्केजुअल बैंक और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो उनका इशूज के रेजोल्यूशन जो है ये भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फंक्शन के अंदर शामिल है टू एडॉप्ट एंड एम्पलीमेंट मैक्रो प्रोडेंशियल पॉलिसी मेजर्स फॉर स्केजुअल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट फॉल अंडर द डोमेन ऑफ द बैंक यानी कि एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का तो ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जो हम पॉलिसी के टॉपिक में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे प्राइसेस को स्टेबलाइज करना तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक होती है कि फाइनेंशियल सिस्टम स्मूथली वर्क करता रहे उसके अंदर कोई बड़ा प्रॉब्लम ना आए फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए इस किस्म के प्रॉब्लम से बचने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ मॉनिटरी पॉलिसी का सहारा नहीं लेता बल्कि इसके अलावा मैक्रो प्रोडेंशियल पॉलिसीज भी बनाता है जिनका काम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से और फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है मसलन कि आप एक इसकी एग्जाम्पल आप यूं ले सकते हैं कि जो बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स उनके पास इतना कैपिटल मौजूद होना चाहिए कि अचानक अगर कोई पेमेंट आ जाए तो कोई पैनिक ना क्रिएट हो जाए या वो जो लैंडिंग कर रहे हैं उसके बदले कितने एसेट्स होने चाहिए उनके पास ये सारे के सारा का सारा मॉनिटरी पॉलिसी का कंसर्न नहीं बल्कि मैक्रो प्रोडेंशियल जो पॉलिसीज होती हैं, उनका कंसर्न है बैंकर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फिजिकल एजेंट टू द गवर्नमेंट एंड इट इट्स एजेंसीज ऑन द म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि वही बात कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक होता है उसको एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है उसके डिपॉजिट भी उसके पास होता है गवर्नमेंट का तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिलेशनशिप है वो भी पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स के रिलेशनशिप की तरह यही यहाँ पे भी इसका फंक्शन है देन टू प्रोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन पाकिस्तान अब जो बाकी हम जनरल पढ़ रहे थे फंक्शन ये नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि हम में से हर बंदे के पास करेंसी नोट्स तो होते हैं चाहे वो कितने ही रिमोट एरिया में क्यों ना हो लेकिन हर बंदे की बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस नहीं होती तो जो बंदा जिसकी बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस नहीं है चाहे उसकी रीजन कोई भी है वो इलिटरेट है बैंक में जाके अपने साइन नहीं कर सकता या बैंक उसके इलाके में मौजूद ही नहीं है रीजन कोई भी हो हम कहेंगे वो बंदा फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है तो सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये फंक्शन है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोमोट करे यानी कि बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो हर बंदे तक पहुंचे पाकिस्तान के ये ड्यूटी ये काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है देन टू डेवलप फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पुल बनाना नहीं रोड बनाना नहीं ये क्या है फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स जिस तरह से फंक्शन करती हैं उनके अंदर कोई सिस्टम बनाना उनको आ, उनकी एफिशेंसी के लिए काम करना ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से है

और टू कैरी आउट एनी एंसिलरी एक्टिविटीज इंसिडेंटल टू द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट यानी कि सेंट्रल बैंक जो जरूरी समझे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी काम है वो करना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है उसके फंक्शन में से थैंक यू